अच्छा, पिछला सांसद किसने बनाया? चमारों के वोटों ने। और फिर ये जो माजिद अली है, इनने कहे वोट डलवाए? अच्छा। ना जगपाल सिंह को डलवाया, ना अजब सिंह को डलवाया। मूर्ख बना के पाकिस्तान से आके सीट लेगा निकाल के। अच्छा। तो हमें नहीं दिखता मंदे हो रहे, हमें नहीं पता कि हमें सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए। अब हम अपना सांसद बनाएंगे लखनपाल शर्मा को। मैं 80 समाज का 50% से ऊपर वोट भाजपा हो जाएगा अब की बार। अच्छा, 50% से ऊपर, क्योंकि अब के हमारे राघव लखनपाल जीतेंगे 1.25 लाख वोटों से। अच्छा जी। और हम जितना भी दलित समाज है, देहात विधानसभा से, सब जगपाल विधायक जी के साथ है और राघव लखनपाल के साथ। पर नाराज भी तो है ना दलित? इतना नाराज कोई भी नहीं है, कोई नाराज नहीं है। मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे हो आप? अजी कहा था बना देंगे प्रधानमंत्री, इतनी मोटी वह कुर्सी भी टूट जाएगी और नहीं तो क्या। ये बड़े साथ लग रहे हैं कि देखो राशन फ्री दे रही है तो सरकार दे रही है, सरकार आवास फ्री दिए, जनधन योजना खाते दिए, किसानों का सम्मान निधि दी और सिलेंडर फ्री दिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजनीति अड्डे में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, इस समय सहारनपुर लोकसभा के गागा लेडी में मौजूद हूं। मेरे पीछे ज़्यादातर दो हैं दलित समाज के लोग हैं। अब बात ये करनी है कि मायावती के साथ जा रहे हैं क्या बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट सारे क्लियर हो चुके हैं। एक तरफ राघव लखनपाल हैं तो दूसरी तरफ इमरान मसूद और बसपा से हैं माजिद अली। अब क्या हाथी पर सवार हो रहा है अब की बार दलित, या फूल के साथ जा रहा है, या फिर अब की बार गठबंधन को वोट दे रहा है? तो भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। भाई साहब एक बात बताओ सत्येंद्र जी, कि आपकी बार हाथी पे सवार हैं या फूल लेकर चल रहे हैं या गठबंधन के साथ हैं? नहीं, हम तो भाई आपका फूल लेकर चल रहे हैं। अच्छा। हाथी पे सवार नहीं है ना। ऐसा क्यों? ऐसा यूं बहन जी ने दिया ही कुछ नहीं। अच्छा। रविदास जयंती नहीं निकली। हाँ। साथ साथ विधायक थे हमारे, वहाँ फंसा रहा मसला। अच्छा। ये तो सांसद भी नहीं थे, चुनाव भी नहीं था राघव लखनपाल जी का, और वहाँ पथराव हुआ, पत्थर खाए इन्होंने। अच्छा। हमारे समाज के लिए तो पत्थर खाए और किसके लिए खाए। और मायावती ने तो आपके लिए इतना सारा काम करा, उन्होंने आपको उत्थान भी कर दिया, दलितों को पहले पूछता कौन था? एक मिनट, क्या कर दिया? कौन नहीं पूछता था हमें, कौन नहीं पूछ रहा था पहले? हम तो जेलदार भी रहे, सरपंच भी रहे, मुखिया भी रहे, 1965 में रहे हरेटी में, शुरू से कौन नहीं पूछ रहा हमें? हमें तो सब पूछ रहे थे। अच्छा। हमें तो कांग्रेस ने भी पूछा पहले, और जितने दल आए सब ने पूछा, भाजपा भी पूछ रही। बहन जी के आने पे जो है सारे रास्ते हमारे बंद हो गए, सब कहने लगे तो भाई बहन जी वाले, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। जब बहन जी ने दिया ही कुछ नहीं है, खनन दिया बल्ले को, शराब दी उसे पोंटी चड्डा को, हमें क्या मिला? ना ठेके में कहीं फायदा मिला, ना कहीं खनन में फायदा मिला, ना कहीं नहरवाई के ठेकों में फायदा मिला, ना बिजली विभाग के ठेकों में फायदा मिला। सारा माल तो ही दूसरे ही चाट गए, हमें क्या मिला? हमने तो वोट दिया बस, डंडे खाए। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी में ऐसा क्या मिला? कह रहे हैं बीजेपी में तो नीचे वाले तबके को तो पूछा ही नहीं जाता, वहाँ तो केवल हिंदू हिंदू चलता है मामला। बीजेपी में एक विचारधारा मिली, समानता की विचारधारा मिली। अच्छा। सब समान है। अभी हमारा चुनाव हुआ था विधायक जी का, उधर अजब सिंह लड़ रहे थे BSP से, वो आए एक पाकिस्तान से और अपना दोनों का मूर्ख बना के आज तक तो हमारे समाज से वोट लिया इन्होंने। अच्छा। पिछला सांसद किसने बनाया? चमारों के वोटों ने। और फिर ये जो माजिद अली है, इनने कहे वोट डलवाए? अच्छा। ना जगपाल सिंह को डलवाया, ना अजब सिंह को डलवाया, मूर्ख बना के पाकिस्तान से आके सीट लेगा निकाल के। अच्छा। तो हमें नहीं दिखता मंदे हो रहे, हमें नहीं पता कि हमें सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए। अब हम अपना सांसद बनाएंगे लखनपाल शर्मा को। माजिद अली भी तो खड़े हैं, उनको वोट दे दो अब की बार। माजिद अली ने तो धोखा करा, उससे पूछो जाकर के, उन्होंने क्या वोट दिलवाए दलित समाज के बंदों को? अच्छा। हमारे चुनाव में चाहे विधायक जगपाल सिंह का हो, चाहे अजब सिंह जी का हो, क्या वोट दिलवाए उन्होंने? अच्छा। प्रमुख ने कहे वोट दिलवाए, या इमरान ने कोई अपील करी है कि भाई अभी इन्होंने हमारा सांसद बनवाया चमारों ने, और भाई तुम इन्हें वोट देके एक विधायक बनवा दो। नगर निकाय चुनाव हुआ था, उसमें तो आपने इमरान मसूद को वोट दिया होगा ना? हमने तो इमरान मसूद को आज तक वोट नहीं दिया, हमने तो बीजेपी को वोट दिया। अच्छा। हाँ, बीजेपी के साथ लगे हुए हो? हम तो बीजेपी के साथ जुड़ गए अब बिल्कुल लगातार। अच्छा जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, क्या लग रहा है, क्या राघव लखनपाल अब की बार आ रहे हैं, या पूर्व जो लग रहा है उनकी गाड़ी पे वो लगा ही रहेगा? नहीं नहीं, पूर्व लगने का। अच्छा। राघव लखनपाल जी आ रहे हैं। हाँ। और हम जितना भी दलित समाज है, देहात विधानसभा से, सब जगपाल विधायक जी के साथ है और राघव लखनपाल के साथ। पर नाराज भी तो है ना दलित? इतना नाराज कोई भी नहीं है, कोई नाराज नहीं है। मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे हो आप? अजी कहा था बना देंगे प्रधानमंत्री, इतनी मोटी वह कुर्सी भी टूट जाएगी और नहीं तो क्या। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने हैं, दलित एक तरफा हुआ उठा रहा है पूरा। माजे दिल्ली बना रहा हो केला और चमार तो बनाने उसे। सही बात तो यार, माजे दिल्ली बना रहा हो केला और ने चमार बना रहे, और तो झरे जगपाल विधायक के साथ और राघव लखनपाल के साथ है सब। अच्छा। हाँ, उनके साथ ही रहोगे? बीजेपी जिंदाबाद।
बाद और बीजेपी जिंदाबाद रहेगी। बीजेपी में दलित का उत्थान नहीं होने का, एक तरफ वोट लेंगे और भूल जाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप हमारे से घुमा फिरा के बात मत कीजिए। दलित समाज एक तरफा इस बार भाजपा के साथ है, उनके पास ही वोट जाएगा, उपरला वोट भी जाएगा, सरकार भी बनेगी और पता नहीं क्या क्या ताकत बनेगी। रही बात मायावती से नाराज क्यों हो गए, ऐसा क्या हो गया? हाथी पे हाथी की चाल तो मस्त चल रही है। भैया नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, उनके उनके विचारधारा से नाराज है। अब वो थोड़ी एजेज भी हो गई है ना, जरूरी नहीं है, और उनका कोई है भी नहीं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का भतीजा ही होगा, उनका कोई भाई होगा, कोई दूसरे हमारे समाज से कोई दूसरा तो नहीं होगा ना। इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ सबको मिलता है सम्मान, इसीलिए तो कहा गया सबका साथ सबका विकास। अच्छा जी हाँ, तो बीजेपी में कुछ विकास होगा? हैं विकास ही विकास हो रहा है, होगा नहीं हो रहा है। ये देश विकासशील नहीं है, विकसित होने वाला है, विकसित होने वाला है। बताओ जी, बताओ जी, बता दो। जंगल में आदमी को सांप तो खा सके, अगर आदमी नहीं खा सकता वो सरकार के लिए। और यहाँ सब जगपाल विधायक जी के साथ हैं। पहले ऐसा क्या हो रहा था, पहला कौन सा खा जाता आदमी? गुंडागर्दी हो रही, आदमी को आदमी काट रहा था। इफ सांप तो खा सके अगर आदमी नहीं छेड़ सकता। अच्छा है जी, ऐसा ही हो रहा, ऐसा ही हो रहा। वैसा बिल्कुल बढ़िया चल रही सरकार, बिल्कुल बढ़िया चल रही सरकार। पहले गुंडागर्दी भी बहुत चल रही, गुंडागर्दी कोई नहीं चल रही। वैसा गुंडागर्दी नाम कर रहे, गुंडे ही नहीं है, गुंडे ही वो छोड़ के भागे देश। अच्छा हाँ, अपना क्षेत्र छोड़ के भागे। अच्छा हाँ, जिला बदल हो गए भाई साहब। क्या होगा सहारनपुर में, क्या होगा? सहारनपुर राघव लखनपाल जीतेंगे भाई साहब। और देखो दिल की बात बता दो, इनके चक्कर में ना पड़ो। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा नाम श्यामलाल सैनी है। हाँ। मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं अपने ऐसी समाज से ये कहना चाहता हूँ, अगर सैनी तो बहुत नाराज है। पहले सैनी है, कोई नाराज नहीं है। अरे हमारे किसी मंत्री को नहीं मिला, कोई नाराज नहीं भाई साहब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दलित के साथ अगर महन जी ने जो धोखा किया तो मेन धोखा ये है, मेरे दलित भाई भी खड़े हैं, मैं इनके सामने ही कह रहा सबके, जो पट्टे मिले थे इन दलित भाइयों को, बहन जी ने इन्हें ये कहा कि पट्टे को तुम बेच सको। बहन जी से बैन लगाती कि दलित का पट्टा कभी नहीं बिकेगा, इनकी जमीन इनके पास रहती। हुआ क्या, बराबर में चौधरी की जमीन है और पट्टा दलित का है, वो बेचारा उसमें टेढ़ी मेढ़ी तो जमीन है, टेढ़ी मेढ़ी तो जमीन है, ना तो उसमें ट्वेल लगा सकता, ना अपना इंजन ले सकता, ना ट्रैक्टर ले सकता, ना बैल रख सकता, उसकी मजदूरी भी खत्म होगी। पर नु कह रहे हैं कि सैनी नाराज इसलिए है क्योंकि मंत्री जी को वापस भेज दिया, मंत्री जी को एंट्री नहीं दी। भैया ये तो पद आते जाते रहे, पद तो आते जाते रहे। और मेन बात ये है बीजेपी की, ये दलित भाई इसलिए साथ लग रहे, हम सभी लोग छोटे बिरादरी के इसलिए साथ लग रहे हैं या बड़े साथ लग रहे हैं कि देखो राशन फ्री दे रही तो सरकार दे रही है, सरकार आवास फ्री दिए, जनधन योजना खाते दिए, किसानों को सम्मान निधि दी और सिलेंडर फ्री दिए। अच्छा और अन्य कितने वोट लेने के बाद भूल जाएंगे? नहीं भूल जाएंगे कैसे, कोई नहीं। लखनपाल बाहर भी नहीं आने के निकलने के बाद लखनपाल 5 साल अपोजिट में रहे, जनता के बीच में रहे और जनता का काम किया, क्यों नाराज नहीं आया राघव लखनपाल से? बाकी बाकी जो पूरा जो बसपा का यहाँ से सांसद था ना फजल रहमान, क्यों शकल नहीं जानता उसकी, किसी के बीच में नहीं गए, सिर्फ अपनी मीट फैक्ट्री चलाता है वो, बाकी हाँ बाकी कुछ नहीं करा, इसलिए राजनीति में आयो। जी क्या नाम? 5 साल में देखा कहाँ फजल रहमान? देखा नहीं, कहाँ देखा थी, कल तक नहीं देखी। राघव को तो देखा हो, राघव को तो हम जाने, इमरान मसूद, इमरान मसूद में देखा हुआ तो आज लो। तो वोट कहाँ है अब की बार? राघव लखनपाल मोदी जी हो गया पार, पक्का देख लो, दिल्ली से कहीं वो भी वापिस आ जा, पहुँचना पाए हो ही नहीं सकता, पहुँच जाएंगे दिल्ली तक बिल्कुल है। भाई साहब दिल्ली तक पहुँच जाएंगे राघव जी? दिल्ली तक राघव जी पहुँचेंगे नहीं, उन्हें जिता कर ले आए भी समझो मैं। अच्छा कर दिया पहले, हाँ पहले ही डिक्लेयर कर दिया, रोगी इमरान मसूद खड़े सामने, पता नहीं कितने 70 इमरान फिर हैं, इमरान भाई नहीं आने के यहाँ, यहाँ तो भाई राघव भाई राघव लखनपाल जाओ, तुम बढ़िया लग रहे, चश्मा लगा रखा। बताओ क्या नाम है? नाम धर्मवीर। धर्मवीर जी क्या हो रहा आपकी बार? वर्तमान प्रधान सरकारी शेख। अच्छा क्या होगा आपकी बार प्रधान साहब? आपकी बार भाजपा की सरकार एक तरफा है। अच्छा कोई संदेह है बताओ आप? तो सारे नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं देते वोट आपकी बार। कौन कह रहा है? ये सब नाराज जी, एक भी बंदा कोई नाराज नहीं है। मैं 80 समाज से आ रहा, 80 समाज का 50% से ऊपर वोट भाजपा हो जाएगा आपकी बार। अच्छा 50% से ऊपर सारे माजी दलित नुगेरा, मेरे तो आपकी बार 6 लाख से जीत है। कुछ नहीं आज 6 लाख तो टोटल में नहीं मिलने के, 6 लाख से कैसे जीत हो जाएगी? कह रहा है तो सब नीचे नीचे रहेंगे, मैं रहूंगा अब के हमारे राघव लखनपाल जीतेंगे 1.25 लाख से वोटों से। अच्छा जी कर लिया सुनिश्चित? बिल्कुल निश्चित है जी, 1.25 लाख। लास्ट टाइम में मायावती जी का फोन आ जाए, अरे इधर उधर नहीं होना बिल्कुल भी, वोट मारना चाहिए। मायावती बुढ़ी हो गई, मायावती का हाथी बुढ़ा हो गया, उनके पास करनी बेचारा राजनीति रहेगी, वो तो खत्म हो ली जी, खत्म होगी बिल्कुल। अच्छा ताऊ क्या नाम है? दिनेश। क्या लग रहा क्या होगा? जीत होगी पक्की। बतेरी सरकार देखी होंगे ना हमने तो? हाँ बहुत देखी। कौन सी सरकार सबसे बेहतर लगी?
यह बढ़िया लगी, ये बढ़िया लगी। हाँ। इसमें ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? इसमें सब कुछ मिल रहा, सम्मान भी मिल रहा, नहीं सम्मान भी मिल रहा, बिजली भी मिल रही, बहुत चीजा मिल रही इसमें। अच्छा, किसान निधि भी आ रही, किसान की निधि भी आ रही, 2000 रूपए मिल रहे, मिल रहे, पेंशन भी आ रही, पेंशन भी आ रही। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे अब की बार, राहुल गांधी को नहीं, फिर मोदी मोदी को बनाओगे? मोदी। अच्छा।